मायक में बोला था कि अब प्रलय आने वाली है, और जिसको तुम ये जो मानव रूप में बैठा है वो कोई इंसान नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं। वो जो इस कलयुग का अवतार होता है ना, वो कलयुग के अवतार हैं, लेकिन क्या है अभी लोग के समझ नहीं रहे। जिनकी भी मौत हुई है, कहीं ना कहीं ये लोग भगवान अवतार हरि बाबा को समझे नहीं, इसीलिए इनकी मौत हुई है। हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे के बाद से भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव फरार है, लेकिन बाबा और बाबा के सहयोगियों के राज अब खुलने लगे हैं। एक बार फिर से आप ये वीडियो देखिए जिसमें भोले बाबा का साथी उसे भगवान बता रहा है। मायक में बोला था कि अब प्रलय आने वाली है, और जिसको तुम ये जो मानव रूप में बैठा है वो कोई इंसान नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं। वो जो इस कलयुग का अवतार होता है ना, वो कलयुग के अवतार हैं, लेकिन क्या है अभी लोग के समझ नहीं रहे। हाथरस में हुई मौतों को लेकर पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन एफआईआर में बाबा का नाम नहीं लिखा। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक स्कॉर्पियो आपको नजर आ रही होगी। ध्यान से देखने पर बीजेपी का फ्लैग भी लगा नजर आया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाबा इसी गाड़ी से फरार हो गया है। आसपास पुलिस भी नजर आ रही है, लेकिन किसी ने भी गाड़ी के अंदर झांकने की हिम्मत नहीं की। अब पुलिस या फिर बाबा के जो भी चाहने वाले हैं, वो लाख इस ढोंगी बाबा को बचाने की कोशिश करें, लेकिन इसी के भक्त अब कैमरे पर आकर इसकी पोल खोलने लगे हैं। इसी बीच बाबा के आश्रम में रहने वाले रंजीत सिंह नाम के चश्मदीद ने ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान है। रंजीत ने बताया कि बाबा के पास कोई भी दैविक शक्ति नहीं है, ऐसा होने का वो सिर्फ ढोंग करता है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार रंजीत का कहना है कि बाबा शराब से लेकर शबाब तक का आदी है, और उसके आश्रम में 16 से 17 साल की लड़कियां भी हैं जिन्हें वो अपनी शिष्या बताता है। रंजीत का आरोप है कि बाबा इन लड़कियों से गलत काम करवाता है। रंजीत ने यह भी बताया कि कैसे बाबा ने सत्संग और चमत्कारी शक्तियों का ढोंग रचना शुरू किया और लोग उसके अंधविश्वास के जाल में फंसते चले गए। रंजीत के मुताबिक वो भोले बाबा के गांव से ही है और उनके पिता भी बाबा के आश्रम में 15 साल रहे हैं। उन्होंने बताया कि सूरजपाल जाटव ने पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद सत्संग का ढोंग रचकर एजेंट तैयार किए, जो लोगों को उसकी शक्तियों का बखान करके लोगों को फंसाते थे। इसके लिए भोले बाबा अपने एजेंटे को लाखों रुपए देते थे, और वो कभी उंगली से चक्र घुमाने तो कभी हाथ में त्रिशूल दिखने की बात कर जनता को भ्रमित करते। धीरे धीरे बाबा ने दूसरे राज्यों में भी अपने एजेंटों को भेजकर भक्तों को फंसाना शुरू किया और फिर सत्संग करने लगा। रंजीत ने आगे कहा कि ये बाबा नहीं बल्कि पाखंडी है। बहादुर नगर में भी कई लोगों की मौत हुई थी और उनकी लाश का आज तक कुछ भी पता नहीं है। जब बाबा को लगा कि वो वहां फंस जाएगा तो उसने अपना आश्रम शिफ्ट कर लिया। यही नहीं, रंजीत ने यह भी खुलासा किया कि बाबा अपनी पत्नी और कई बड़े लोगों के साथ प्लानिंग कर गांव में अवैध कब्जा भी किया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।